मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद हुज़ैफ़ा ख़ान का इमदादिया शरफिया थाना भवन से इस वक्त आपसे मुखातब हूँ और आप सभी हजरात को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ यह भी इत्तला देना चाहता हूँ कि मस्जिद मरकज़ औलिया खानका इमदादिया शरफिया थाना भवन में ईद उल अज़हा की नमाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक 7 बजे अदा की जाएगी। आप सभी हजरात वक्त का ख़ास ख्याल रखें। इसी के साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि रास्ते और गली कूचों में सफ़े ना लगाएँ। और कुछ हिदायत कुर्बानी से मुतालिक हैं, वो ये हैं कि एक तो गलाजत के रेज़े हैं, इसी तरह से गोश्त के टुकड़े हैं, उनको रास्तों पर और आम गुजरगाहों पर ना डालें, बल्कि नगर पालिका की तरफ से जो गढ़े वगैरह खुदवाए गए हैं वहाँ तक अहतमाम से पहुँचा कर और उनको दबवाया जाए। इसी तरह से वो जानवर जिनकी कुर्बानी ममनू है उनसे बचा जाए, उनसे एतराज़ किया जाए। और ऐसे ही कुर्बानी करते वक्त जानवर की किसी तरह की वीडियो वगैरह मोबाइल से बनाकर उसको आम ना किया जाए और उसको मोबाइल के ज़रिए ना फैलाया जाए। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे दूसरे भाई के जज्बात मजरूह हों और उनको तकलीफ़ पहुँचे। ये ईद उल अज़हा ये हमारा इस्लामी और मजहबी त्यौहार है और सभी मजहबी त्यौहार हमें आपस में आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हमें आपसी भाईचारे और प्यार और मोहब्बत को बाकी रखते हुए पुरअमन तरीक़े से अपने इस मजहबी त्यौहार को मनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आफियत और सुकून के साथ पुरअमन तरीक़े से हमारे इस मजहबी त्यौहार की तकमील करा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।